थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है हर्निया का। अगर खुदा ना खास्ता अगर मर जाए तो उसके लिए आप कुछ घरेलू टोटके जान पाएंगे जिनको यूज़ करके आप यकीनन अपने दर्द में जो है वो कमी ला पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जाना सबसे पहले देख सकेंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं। हर्निया जो है वो उस वक्त होता है जब जिस्म के अंदरूनी हिस्से में किसी कमज़ोर मुकाम पर या कोई अजलात या बाफ्ट की दीवार में जो है वो सुराख पड़ जाता है, जिससे जिल्द पर एक उभार सा नज़र आता है। अमूमन ये पेट पर होता है, लेकिन समटाइम्स ये दूसरे पार्ट्स पर भी हो सकता है, जिनमें से एक जो है वो रान के ऊपर जो है इसके ऊपरी हिस्से पर होगा या फिर नाक के ऊपर हो सकता है। फ्रेंड्स मेडिसिन में तो इस हर्निया को जो है वो आमतौर पर जानलेवा नहीं समझा जाता है, लेकिन इसके बढ़ने की सूरत में क्योंकि सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है और इससे कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ जाती हैं, जिससे समटाइम्स जो है इंसान की मौत भी वाकया हो जाती है। तो इस फ्रेंड्स हर्निया के लिए आप कुछ घरेलू टोटके भी जान पाएंगे जिनको यूज़ करके यकीनन आप अपने मर्ज के दर्द में तकलीफ जो होती है उसमें कमी ला सकेंगे। और ये भी मशहूर एक मसल है कि परहेज या वो लाल से बेहतर है। अगर आप यकीनन कुछ बातें जो है वो परहेज के लिए कही जाती हैं वो अगर करते हैं तो यकीनन आप इससे शफा भी पाते हैं। और फ्रेंड्स टॉपिक की तरफ आते हैं कि अगर आपके आपको खुदा ना खास्ता हर्निया का मसला हो गया तो इसके लिए आप अपनी तौर पर क्या चेंजेस कर सकते हैं खुद में, या अपनी रूटीन में ऐसी क्या चेंजेस कर सकते हैं, या डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हैं। सब्जियों के इसके लिए आप सब्जियों का रस पिए या आप कच्ची सब्जियां भी खा सकते हैं, खासतौर पर गाजर पालक प्याज जो है वो आप खाएं। और ख़ुद को जहनी दबाव से जो है वो दूर रखें जहां तक मुमकिन हो सकता है। अब जारी बात है हम सब इंसान हैं तो जारी बात मुश्किल और तकलीफ़ें तो आती रहती हैं, लेकिन आप जारी बात हम चाह कभी रोक नहीं सकते हैं टेंशन लेना, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करें अगर आप खुद को मज़ीद तकलीफ या मुश्किलों से बचाना चाहते हैं तो आपको खुद को जो है वो स्ट्रेस और जहनी जो दबाव है इससे खुद को दूर रखें, तो आप ना सिर्फ इस बीमारी से बल्कि और बहुत सारी बीमारियों से भी बचते हैं। और यकीनन अगर कोई मुश्किल है जिसको लेकर दिमाग पे जो एक दबाव है वो भी आप हल कर पाएंगे वो जब आप खुद को स्ट्रेस फ्री करेंगे, यानी जहन से अपने जो है वो बोझ हटाएंगे, तो फिर ही अपने मसले का हल जो सोच पाएंगे। आप सख्त किस्म की वर्जिश जो है वो आप उससे परहेज करें। इसके अलावा काली मिर्च का अपने खानों में जो है वो इजाफा करें। सब्जी में लाल मिर्च की बजाय अगर आप काली मिर्च डालेंगे तो इस मर्ज में काली मिर्च का इस्तेमाल जो है वो मुफीद है, क्योंकि ये तजाबियत और सोजिश से बचाती है। अपनी गजा में ये तब्दीली भी जरूर लाएँ। मिर्च मसालों वाली गजाएँ अगर पसंद करते हैं तो इससे बिल्कुल परहेज करें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कम करें। खाना कभी एक साथ भर भर कर ना खाएँ, यानी वक्त से थोड़ा थोड़ा खाएं, इससे आपकी आंतों पर बोझ नहीं पड़ेगा। और अरंड का तेल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, इसको लगाएं मैदे पर और बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं, इससे सोजिश में कमी होगी और दर्द का एहसास जो है वो कम होगा। और इसके अलावा आप एलोवेरा का रस वो खाने से पहले जो है वो खाना दर्द में कमी लाएगा। और अदरक का जूस या फिर आप कच्ची अदरक भी जो है वो थोड़ी सी चबा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसकी बहुत थोड़ी मकदार लें। और अगर हार्ट पेशेंट लोग हैं तो वो तो बिल्कुल ही बहुत कम मकदार लें, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसकी वजह से यानी आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, तो इसलिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत कम करें। और लेकिन जो बाकी नॉर्मल लोग हैं जिनको ये हार्ट का कोई इशू नहीं है तो वो यानी वो नॉर्मली थोड़ी सी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप मलट्ठी की चाय पीना जो है इस मर्ज में जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है। हो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग रहा और यूज़फुल भी रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा अवेयरनेस और आगाही के लिए। और प्लीज़ अगर आप कोई टोटका यूज़ करती हैं तो प्लीज़ हमारे साथ अपने इस एक्सपीरियंस को और इस टोटके को कमेंट में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।